प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज़ जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छल नहीं कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएँ, दोबारा उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूँढूँगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूंढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूंढूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले, ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया, तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं। तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है, और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी, तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज़ जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छल नहीं कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं, दोबारा उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूँढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूँढूँगा, मैं खुद ढूँढूँगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले, ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया, तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं। तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है, और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी, तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी।
पर वीवर्स आपके ख्याल में क्या महरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। वीवर्स आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। वीवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। महरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि महरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं दोबारा, उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो महरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूँढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूँढूँगा, मैं खुद ढूँढूँगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि महरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि महरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ महरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं। तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ महरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ महरू की खुशियों की। वो महरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब महरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर वीवर्स आपके ख्याल में क्या महरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। वीवर्स आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। वीवर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। महरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि महरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं दोबारा, उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो महरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूँढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूँढूँगा, मैं खुद ढूँढूँगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि महरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि महरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ महरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं। तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ महरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ महरू की खुशियों की। वो महरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब महरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी
तब शाहजहाँ के उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या महरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। महरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि महरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं दोबारा, उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो महरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूँढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूँढूँगा, मैं खुद ढूँढूँगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि महरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि महरू अब शादी कर ले, ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ महरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया, तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ महरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है, और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ महरू की खुशियों की। वो महरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब महरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी, तब शाहजहाँ के उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या महरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। महरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि महरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं दोबारा, उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो महरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूँढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूँढूँगा, मैं खुद ढूँढूँगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि महरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि महरू अब शादी कर ले, ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ महरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया, तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ महरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है, और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ महरू की खुशियों की।
वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात की याद दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं दोबारा, उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गई। तुम ढूँढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूँढूँगा, मैं खुद ढूँढूँगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ हैं और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज़ जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात की याद दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं दोबारा, उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गई। तुम ढूंढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूंढूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी।
अब शाहजहां मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है और शाहजहां को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहां के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहां को चाहने लगेगी तब शाहजहां की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर वीवर जाक के ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहां से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। वीवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। वीवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहां की वालदा के तल्ख आमेज़ जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहां को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहां को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहां से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएँ, दोबारा उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूँढूँगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूंढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूंढूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहां को बताया तो अब शाहजहां अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहां ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहां जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहां मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है और शाहजहां को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहां के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहां को चाहने लगेगी तब शाहजहां की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर वीवर जाक के ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहां से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। वीवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊँगी। वीवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहां की वालदा के तल्ख आमेज़ जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहां को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहां को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहां से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएं, दोबारा उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूँढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूँढूँगा, मैं खुद ढूँढूँगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहां को बताया तो अब शाहजहां अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहां ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना?
तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर वीवर जाक के ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। वीवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। वीवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज़ जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएँ, दोबारा उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूंढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूंढूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निकी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है, क्या वरना? तो शाहजहाँ जवाब में कहता है, वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ है और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर वीवर जाक के ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। वीवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल मेहरपोश के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। वीवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मेहरू शाहजहाँ की वालदा के तल्ख आमेज़ जुमले सुन सुन के थक चुकी है। वो शाहजहाँ को रोते हुए कहती है, जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात क्या दिला के चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छलनी कर देते हैं। मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू अब जाकर शाहजहाँ को अपना मानने लगी है, उस पर एतबार करने लगी है। तभी तो वो अपने दिल की बात शाहजहाँ से कर रही है। तो उधर नईम की वालदा ने जब अपने बेटे को बताया कि मेहरू तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं, तो वो अपनी वालदा से कहता है उसके घर जाएँ, दोबारा उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाएं, रिश्ता मैं ढूँढूँगा उसके लिए। नईम की वालदा अपने बेटे की ये बात सुनते ही दंग रह गए। तुम ढूंढोगे रिश्ता? तो नईम कहता है कि हाँ हाँ, मैं ही ढूंढूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। नईम के सामने हकीकत आ जाने के बाद वो अच्छे से जान चुका है कि मेहरू किस तकलीफ़ से गुजर रही है। बस वो चाहता है कि मेहरू अब शादी कर ले ताकि वो भी कुछ सुकून में आए। वहाँ मेहरू ने जब अपनी तकलीफ़ के बारे में शाहजहाँ को बताया तो अब शाहजहाँ अपनी वालदा के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अम्मा, तुम उस बेचारे का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे रहते हैं? तो आगे से माँ फट से कहती है, कोई एहसान नहीं कर रहे, सारी उम्र मैंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया है।
तो शाहजहाँ ने कहा कि अपनी निगी ज़ाया मत करो वरना। तो उसकी माँ कहती है क्या वरना, तो शाहजहाँ जवाब में कहता है वरना तुम अपना बेटा खो दोगी। अब शाहजहाँ मेहरू के लिए ये सब कुछ कर सकता है, मगर उसकी वालदा भी बहुत ढीठ हैं और शाहजहाँ को भी अब फिक्र है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेहरू की खुशियों की। वो मेहरू से कहीं बाहर लेकर गया और उसे उसकी पसंदीदा चीज़ें भी लेकर देता है। अब मेहरू का दिल शाहजहाँ के लिए आहिस्ता आहिस्ता मोम हो रहा है। वो जब शाहजहाँ को चाहने लगेगी तब शाहजहाँ की उस मजाक की सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आ जाएगी। पर वीवर जाक के ख्याल में क्या मेहरू भी करने लगी है मोहब्बत शाहजहाँ से? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।